अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे टी20 मैच में जहां बाकी सभी बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे थे तो सूर्य कुमार यादव छक्कों की बारिश करते नजर आए, और इसी बीच सूर्य के बल्ले से डिविलियर्स के अंदाज में एक ऐसा छक्का निकला जिसे देखकर शायद रोहित शर्मा भी हैरान हो गए थे। तो सूर्य कुमार यादव का ये मैच टर्निंग पॉइंट एक सिक्स तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन बेहतर है छक्के लगाने के मामले में, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रोहित शर्मा की पलटन चार नए बदलावों के साथ मैदान पर नजर आई। हालांकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि विराट कोहली के साथ साथ ऋषभ पंत को भी आराम दे दिया जाएगा, लेकिन देर आए और दुरुस्त आए। रोहित शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और यहाँ तक कि शार्दुल ठाकुर और आवेश खान को टीम में शामिल किया। हालांकि मुकाबले में टॉस जीता फिर से पोलार्ड ने और फिर से गेंदबाजी चुन ली। अब क्योंकि ईडन गार्डन के इस मैदान में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि पिछले मैच में भी देखने को मिले थे, लेकिन पिछली बार विराट, पंत और अय्यर के धाकड़ बैटिंग लाइनअप और तेज तर्रार पारियों ने पूरे मुकाबले को संभाल लिया था, परंतु इस बार ऐसा हो नहीं सका क्योंकि सलामी जोड़ी में इस बार रोहित शर्मा नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन मैदान में आए। दोस्तों गायकवाड़ से सबको उम्मीदें थी, लगा कि आईपीएल में लगाए गए 600 रन शायद यहां भी काम आएंगे, लेकिन वो तो 4 रन पर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बीच में एक छोटी पार्टनरशिप जरूर बनी थी। श्रेयस अय्यर 19 रन पर फिर आखिरकार अपना विकेट गवा ही बैठे। 216 गेंदों में 4 चौके जड़कर अय्यर ने 25 रन तो बनाए थे, लेकिन वो होल्डर के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन का नंबर लगा, वो भी 34 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और रोहित शर्मा तो 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। बल्लेबाजी का सारा तारोमदार संभाल रहे थे सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर, और इसी बीच दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने कई ऐसे छक्के जड़े जिन्हें देखकर वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाड़ी तो हक्के बक्के रह ही गए थे, साथ ही रोहित शर्मा भी पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और वेंकटेश अय्यर भला सूर्य कुमार यादव को देखकर कहां चुप रहने वाले थे। दोस्तों अय्यर ने भी अपनी गन से फायर किया और बल्ले से चौके और छक्के जड़ दिए। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने 3 छक्के और 1 चौके की मदद से मात्र 20 से 21 गेंदों के अंदर ही 36 रन बना दिए थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर तो उनसे एक नहीं बल्कि 10 कदम आगे निकले। जेसन होल्डर और शेफर्ड जैसे खिलाड़ियों की जमकर धुनाई करते हुए इस खिलाड़ी ने एक ही ओवर में कई बार चौके और छक्कों की बारिश करी। पहले शेफर्ड को छक्का और चौका जड़ा, और जब होल्डर ने इनके सामने उन्हें आउट करने की गुस्ताखी कर दी तो डीप फाइन लेग की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया, और इसे देखकर रोहित शर्मा भी हैरान हो चुके थे। 215 गेंदों में ही वेंकटेश अय्यर लगभग 30 रन बना चुके थे, और इन दोनों की पारी ने ही भारतीय टीम को 150 के पार भी पहुंचाया। और दोस्तों आगे चलकर तो इन दोनों खिलाड़ियों ने इतने चौके और छक्के लगाए कि देखकर सब हैरान हो चुके थे। 231 गेंदों में सूर्य कुमार यादव ने 7 छक्के 1 चौके की मदद से लगभग 210 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी और 65 रन जड़ दिए। वेंकटेश अय्यर भी कम नहीं थे, लगभग 19 गेंद में 35 रन लगाकर वो गए, जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 184 पर पहुंच गया 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों आप सभी सूर्य और वेंकटेश अय्यर की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टी20 मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी, बिश्नोई और चहल की गेंदबाजी के सामने कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज धुरंधर भारी पड़ गए, लेकिन कैसा रहा दूसरे टी20 मैच का हाल वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और कोहली में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा टी20 मैच ईडन गार्डन के ही मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि शुरुआत वेस्ट इंडीज की टीम की रही, टॉस उन्होंने जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। बल्लेबाजी करने आई भारत की टोली में से ईशान किशन 2 पर आउट हुए तो रोहित शर्मा छोटा पैकेट बड़ा धमाका बनकर 19 रन पर आउट हो गए। हालांकि विराट कोहली ने 52 रनों की शानदार पारी खेली, कई चौके और छक्के जड़े और फिर बागडोर सौंप कर चले गए वेंकटेश अय्यर और पंत के हाथों में। इस बीच अय्यर और पंत ने अपना क्लास दिखाते हुए चौके और छक्कों की बारिश ही कर दी थी, मानो कि चौके और छक्कों का सैलाब सा आ गया हो मैदान में। वेस्ट इंडीज की टीम का हर एक गेंदबाज सर पकड़ कर बैठ चुका था, क्योंकि दोस्तों वेंकटेश अय्यर 18 गेंदों में 33 रन लगा चुके थे और पंत की बात तो क्या ही कीजिए, 28 गेंदों में 52 रन लगाकर उन्होंने भारतीय टीम को 140 से उठाकर सीधा 182 पर पहुंचा दिया। जैसे तैसे दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम इतनी आगे पहुंची और फिर हमने 187 रनों का लक्ष्य वेस्ट इंडीज की टीम को दे डाला। लेकिन जब बात लिमिटेड ओवर्स की होती है तो लक्ष्य चाहे 200 या फिर 250 क्यों ना हो, टी20 में वेस्ट इंडीज की टीम के सामने हर एक लक्ष्य छोटा पड़ता है,
और आज ये वेस्ट इंडीज की टीम ने साबित भी कर दिया। वेस्ट इंडीज की टीम लक्ष्य को चेज करने के लिए पहचानी जाती है। आज शुरुआत कहीं ना कहीं उनके नाम रही थी। 5 ओवर तक भारत को विकेट नहीं मिला, 40 तक पहुंची थी अभी वेस्ट इंडीज की टीम कि तभी चहल आए और कट एंड बोल्ड करके काइल मेयर्स को भारत को पहला विकेट दिला दिया। ये भारत के लिए पहली सफलता तो थी लेकिन आखिरी नहीं। आपको बता दें कि 9वें ओवर में ब्रेंटन किंग का विकेट लिया फिर रवि बिश्नोई ने। इन दोनों स्पिनर्स की गेंदबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि लेग स्पिनर्स की जोड़ी और रोहित की धोनी जैसी कप्तानी आज भी काम आ जाएगी और हम आसानी से मैच को जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते पूरे मुकाबले की शक्ल बदल कर रख दी वेस्ट इंडीज की टीम के धुरंधरों ने। हाँ, भारतीय खेमे से कई कैच छूटे और लगता है कि यही मौके जो वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाड़ियों को मिले उन्होंने वहां से मैच पकड़ लिया। आपको बता दें कि हाल ही में आईपीएल ऑक्शन में 10 करोड़िए बने निकोलस पूरन आजकल कुछ ज्यादा ही खुश हैं। 15 गेंदों में 29 रन जड़कर उन्होंने अंदेशा साफ कर दिया था कि वो क्या धमाका करेंगे, जिसके बाद निकोलस पूरन और पवल के बीच में एक शानदार प्लान बना। स्पिनर गेंदबाजों के लिए तो वो शांत नजर आए लेकिन तेज गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। चहर को भी चौके और छक्के पड़े पारी के 12वें ओवर में। और फिर तो दोस्तों पॉवेल और पूरन की ये जोड़ी इतनी ज्यादा भारी पड़ गई कि पलक झपकते दोनों खिलाड़ी अपने अपने 50 तक पहुंच गए। ना सिर्फ इन्होंने अपना 50 पूरा किया बल्कि जिस टीम को जीतने के लिए 32 गेंदों में 70 रन चाहिए थे अब वो 21 गेंदों में मात्र 45 रन पीछे थी मुकाबला जीतने में। चौके और छक्के देखकर ये कहना गलत नहीं था कि दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम एक किस्म से इस मुकाबले को अंतिम पलों में जीत ही चुकी थी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है आज किसका प्रदर्शन खराब रहा और किसका अच्छा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों दूसरे T20 मैच में अंतिम पलों में आखिरकार रोहित की चमत्कारी भरी कप्तानी से भारतीय टीम जीत ही गई। लेकिन क्या था पूरे मैच का ब्यौरा और कैसे खारे हुए मैच को रोहित के फैसलों ने पलट कर रख दिया ये सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारतीय टीम किस खिलाड़ी की वजह से जीती, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा T20 मैच ईडन गार्डन के ही मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि शुरुआत वेस्ट इंडीज की टीम की रही, टॉस उन्होंने जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। बल्लेबाजी करने आई भारत की टोली में से ईशान किशन 2 पर आउट हुए तो रोहित शर्मा छोटा पैकेट बड़ा धमाका बनकर 19 रन पर आउट हो गए। हालांकि विराट कोहली ने 52 रनों की शानदार पारी खेली, कई चौके और छक्के जड़े और फिर बागडोर सौंप कर चले गए वेंकटेश अय्यर और पंत के हाथों में। इस बीच अय्यर और पंत ने अपना क्लास दिखाते हुए चौके और छक्कों की बारिश ही कर दी थी, मानो कि चौके और छक्कों का सैलाब सा आ गया हो मैदान में। वेस्ट इंडीज की टीम का हर एक गेंदबाज सर पकड़ कर बैठ चुका था क्योंकि दोस्तों वेंकटेश अय्यर 18 गेंदों में 33 रन लगा चुके थे और पंत की बात तो क्या ही कीजिए, 28 गेंदों में 52 रन लगाकर उन्होंने भारतीय टीम को 140 से उठाकर सीधा 182 पर पहुंचा दिया। जैसे तैसे 200 भारतीय क्रिकेट टीम इतनी आगे पहुंची और फिर हमने 187 रनों का लक्ष्य वेस्ट इंडीज की टीम को दे डाला। लेकिन जब बात लिमिटेड ओवर्स की होती है तो लक्ष्य चाहे 200 या फिर 250 क्यों ना हो, T20 में वेस्ट इंडीज की टीम के सामने हर एक लक्ष्य छोटा पड़ता है और आज ये वेस्ट इंडीज की टीम ने साबित भी कर दिया। वेस्ट इंडीज की टीम लक्ष्य को चेज करने के लिए पहचानी जाती है। आज शुरुआत कहीं ना कहीं उनके नाम रही थी। 5 ओवर तक भारत को विकेट नहीं मिला, 40 तक पहुंची थी अभी वेस्ट इंडीज की टीम कि तभी चहल आए और कट एंड बोल्ड करके काइल मेयर्स को भारत को पहला विकेट दिला दिया। ये भारत के लिए पहली सफलता तो थी लेकिन आखिरी नहीं। आपको बता दें कि 9वें ओवर में ब्रेंटन किंग का विकेट लिया फिर रवि बिश्नोई ने। इन दोनों स्पिनर्स की गेंदबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि लेग स्पिनर्स की जोड़ी और रोहित की धोनी जैसी कप्तानी आज भी काम आ जाएगी और हम आसानी से मैच को जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते पूरे मुकाबले की शक्ल बदल कर रख दी वेस्ट इंडीज की टीम के धुरंधरों ने। हाँ, भारतीय खेमे से कई कैच छूटे और लगता है कि यही मौके जो वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाड़ियों को मिले उन्होंने वहां से मैच पकड़ लिया। आपको बता दें कि हाल ही में आईपीएल ऑक्शन में 10 करोड़िए बने निकोलस पूरन आजकल कुछ ज्यादा ही खुश हैं। 15 गेंदों में 29 रन जड़कर उन्होंने अंदेशा साफ कर दिया था कि वो क्या धमाका करेंगे, जिसके बाद निकोलस पूरन और पवल के बीच में एक शानदार प्लान बना। स्पिनर गेंदबाजों के लिए तो वो शांत नजर आए लेकिन तेज गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। चहर को भी चौके और छक्के पड़े पारी के 12वें ओवर में। और फिर तो दोस्तों पॉवेल और पूरन की ये जोड़ी इतनी ज्यादा भारी पड़ गई कि पलक झपकते दोनों खिलाड़ी अपने अपने 50 तक पहुंच गए। ना सिर्फ इन्होंने अपना 50 पूरा किया बल्कि जिस टीम को जीतने के लिए 32 गेंदों में 70 रन चाहिए थे अब वो 21 गेंदों में मात्र 45 रन पीछे थी मुकाबला जीतने में। चौके और छक्के देखकर ये कहना गलत नहीं था कि दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम एक किस्म से इस मुकाबले को अंतिम पलों में जीत ही चुकी थी। परंतु दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम लगभग मुकाबले को हार ही चुकी थी।